नमस्कार स्टूडेंट्स, आज थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। आईपीसी में किस तरीके से थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंस है और उसके लिए आप टेबुलर फॉर्म में अपने आंसर में लिख के आएँ। किस तरीके से लिख के आएंगे मैं अभी बताता हूँ। टेबल में एक तरफ थेफ्ट लिख लें और एक तरफ एक्सटॉर्शन लिख लें और थेफ्ट वाली सेक्शन के थेफ्ट वाले कॉलम में आप बताएं कि डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है। तो लिख दें कि थेफ्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 378 आईपीसी और एक्सटॉर्शन वाले कॉलम में आप लिख दें कि एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन 383 आईपीसी। टू नंबर डिफरेंस आप देखें आपको मिलेगा कि आप पनिशमेंट बताएं कि कौन सी सेक्शंस में थेफ्ट की और एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी गई है। तो थेफ्ट के नीचे लिखें इट्स पनिशमेंट्स हैव बीन गिवन इन सेक्शंस फ्रॉम 379 टू 382 आईपीसी और एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी गई है 384 टू 389 आईपीसी, 384 से 389 आईपीसी तक। तीसरा पॉइंट आप लिखें, यहां इंग्रेडिएंट से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट आप देखें कि एक्सटॉर्शन में एक फियर दिखाया जाता है इंजरी क्रिएट करने का, लेकिन थेफ्ट में ऐसे फियर की कहीं कोई जरूरत नहीं होती। तो थेफ्ट के नीचे आप लिखें इन थेफ्ट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फियर, बट एक्सटॉर्शन के नीचे लिखें आप बट इन एक्सटॉर्शन द फियर ऑफ इंजरी इज नेसेसरी, बिना फियर दिखाए एक्सटॉर्शन नहीं होगा। चौथा पॉइंट लिखें, ये भी इंग्रेडिएंट से ही रिलेटेड है। थेफ्ट देखो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर हो सकती है, बट एक्सटॉर्शन किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी पर हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, वो सभी प्रकार की प्रॉपर्टी की थेफ्ट एक्सटॉर्शन हो सकती है। तो थेफ्ट के नीचे आप लिख दें कि इन थेफ्ट प्रॉपर्टी इज ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सटॉर्शन में आप लिख दें कि इन एक्सटॉर्शन एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में भी एक्सटॉर्टेड। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप, वो भी इंग्रेडिएंट से ही रिलेटेड है। इंग्रेडिएंट्स ध्यान रखेंगे, मैंने दोनों थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन दोनों पे मैंने वीडियो बना दी है, आपको आई बटन में मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप पहले ये देख लें तो आपको ये डिफरेंस बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो पांचवा पॉइंट लिखें कि थेफ्ट में कोई इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं होती प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए, लेकिन एक्सटॉर्शन में जब किसी पर्सन को फियर में डाल दिया जाता है तो फियर में डालने के बाद फिर उसे इंड्यूस करता है अक्यूज पर्सन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, डिलीवरी ऑफ एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, डिलीवरी ऑफ एनी सच थिंग विच इज सील्ड और साइंड एंड मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी एट लेटर स्टेज। तो एक्सटॉर्शन में इंड्यूसमेंट फॉर डिलीवरी इज नेसेसरी बट सच इंड्यूसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन थेफ्ट। नंबर सिक्स पॉइंट देखें आप, ये भी कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट से ही निकल कर आता है। जब आप थेफ्ट देखते हैं तो थेफ्ट में कंप्लेनेंट एंड एक्यूज्ड का आमना सामना और कॉन्टैक्ट, किसी भी प्रकार से कोई कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सटॉर्शन में क्योंकि एक्यूज कंप्लेनेंट को फियर में डालना चाहता है तो फियर में तो किसी ना किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करेगा कंप्लेनेंट को, या तो बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर कॉन्टैक्ट हो रहा हो, या मेल से कॉन्टैक्ट हो रहा हो, या किसी और मीन से कॉन्टैक्ट हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन मीन हो सकता है कॉन्टैक्ट होने का, बट एक्यूज और कंप्लेनेंट के बीच में कॉन्टैक्ट होना नेसेसरी है एक्सटॉर्शन के लिए, बट सच कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। पॉइंट नंबर सेवन आप लिखें, मेंसरिया दिखाएं। देखो ये भी इंग्रेडिएंट से रिलेटेड है, पर ऑफेंस टू ऑफेंस मेंसरिया चेंज होता रहता है दोस्तों। तो थेफ्ट में आप जब मेंसरिया पढ़ेंगे तो देखें वहां पे डिसऑनेस्टली वर्ड यूज हुआ है, जो डिसऑनेस्टली मेंसरिया है थेफ्ट के लिए, बट एक्सटॉर्शन के लिए मेंसरिया होता है इंटेंशनली। क्या करता है? इंटेंशनली पुट इन फियर ऑफ इंजरी। तो मेंसरिया के पॉइंट पर भी एक डिफरेंस बन जाता है। अगला पॉइंट देखें, एट्थ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखें। जब आप सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहां कंफ्यूजन होगा कि ये थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, तब आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा। देखिए जनरली लिखा है मैंने यहां पे, जनरली थेफ्ट में क्या होता है कि कंप्लेनेंट डज नॉट गिव प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज ओन हैंड, अपने हाथ से प्रॉपर्टी नहीं देता कंप्लेनेंट एक्यूज को। बट आप एक्सटॉर्शन में देखिए, एक्सटॉर्शन में कंप्लेनेंट क्या करता है, अपने ही हाथ से प्रॉपर्टी देता है। वो क्यों देता है अपने हाथ से प्रॉपर्टी? क्योंकि वहां पे लिखा गया है, ये इंग्रेडिएंट है एक्सटॉर्शन का, कि एक्यूज इंड्यूसेस द कंप्लेनेंट टू डिलीवर द प्रॉपर्टी। तो यहां पे कंप्लेनेंट खुद प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है एक्यूज को, अपने हाथ से डिलीवर करता है। बट यहां ध्यान देना कि वो जो कंसेंट होती है देते समय, बट वो फियर में डाल के ली गई कंसेंट होती है। तो जब कंसेंट की बारी आए तो आप आईसी में सेक्शन 90 आईपीसी पढ़ लेना, वहां पे लिखा गया है कि अगर कंसेंट
थ्रेट से ली गई है, इंड्यूसमेंट से ली गई है, फियर से ली गई है, तो वो कंसेंट कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप देखें, ये एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच का डिफरेंस कंप्लीट हो गया। आप एग्जाम में उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। और आप मेरे, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कुछ इसमें डाउट रह गया है, तो वो आप कमेंट में जरूर लिखें। डाउट नहीं कोई बचा तो इसमें थैंक यू का और कीप इट अप का मैसेज आप जरूर लिख सकते हैं, जिससे मेरा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं फर्दर और वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।